वेलकम बैक टू द डे थ्री. डे थ्री इज़ नथिंग बट आई एम स्टेइंग हेयर इन लखनऊ फॉर वन मोर डे. पहले मेरा प्लान था कि मैं आज यहाँ से अर्ली मॉर्निंग यहाँ से मूव कर जाऊँगा और विल टच चंडीगढ़ इन द इवनिंग. बट कल का ट्रेवल जो किशनगंज टू लखनऊ था वो आपने देख ही लिया. इट वॉज अबाउट 870-880 किलोमीटर्स. बट पूरे रास्ते में बारिश होती रही. जो जर्नी मैं 13 आवर्स में कंप्लीट कर सकता था इट टुक 18 आवर्स. तो अभी आपने देखा मैं रेनो सर्विस में आया था. तो अभी मैं स्टिल लखनऊ में हूँ. आज पूरा दिन लखनऊ में रहूँगा. मुझे लगा कि वाइपर मतलब 100% क्लीन नहीं कर पा रहा है. वो कुछ इम्प्रेशन छोड़ दे रहा है. तो थोड़े बहुत टाइम के लिए तो ठीक है, पर जब लंबा ट्रेवल करना होता है और कंटिन्यू रेन भी है तो मुझे उससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई. यहाँ पे 6 किलोमीटर्स में रेनो सर्विस था. तो बिफोर लंच मैंने सोचा पहले चेंज करा ही लेते हैं. कोको को भी मैंने गाड़ी में रखा. सर्विस स्टेशन में अच्छा एक्सपीरियंस था. पहुंचते ही उन्होंने विद इन 5 to 10 मिनट्स में एंट्री करके वो सब चेंज कर दिया, वाइपिंग वगैरह. और अब एकदम 100% क्लीन हो जा रहा है. बिल्कुल क्लीन. कोको से सब मिलने आ रहे थे अंदर. ओल्ड एज लेडी थी तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया. तो कोको से बात करने लगे खिड़की से. तो मुझे पूछती इसे भी पानी पिला दूँ, थोड़ा सा पानी पिला दूँ. मैंने कहा भाई ये पानी पीने वाला डॉग होता, इतना हंस रहा है पीछे से, इतना फ्रेंडली डॉग होता बात ही कुछ और होती. क्यों भाई कोको? सुबह के 6:25 ऑलमोस्ट हम लखनऊ सिटी एग्जिट कर ही चुके हैं. ऑलमोस्ट ये आ गए हम. क्या लिखा है? एक्सप्रेस वे स्टार्ट्स आगरा. वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे. नेक्स्ट एग्जिट 63 किलोमीटर्स. अब चलते रहो. कन्नौज 98 आगरा 316. वाओ, कार लेन, सेंटर वाली कार लेन, बिल्कुल राइट वाली ओवरटेकिंग लेन. अप्रॉक्स 158 किलोमीटर्स में ये एक्सप्रेस हाईवे एंड हो जाएगा. मतलब आगरा पहुंच जाएंगे और वहीं से शिफ्टिंग होगा आगरा दिल्ली एक्सप्रेस. धूप आ गई, थोड़ी सी धूप आ गई.
दोस्तों को। चलो चलते हैं, चलो 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 चलो। लेमू लेमू ओए लेमू लेमू। हेलो फ्रॉम पालमपुर। सो आफ्टर लॉन्ग 5 डेज, 29th को मैं कुछ बिहार से चला था, आज मैं 10-15 मिनट में पालमपुर पहुंचने वाला हूँ। और कल तक का आपने जर्नी मेरा देखा, मैं लखनऊ टू डायरेक्ट चंडीगढ़ आ गया था। इट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, मेरा थोड़ा सा हेल्थ अपसेट रही पूरे ट्रेवल में। बीच में मुझे रुकना पड़ा, मुझे बीच में 20 मिनट की नींद भी पूरी करनी पड़ी, मुझे बीच में आधा घंटा सोना भी पड़ा गाड़ी रोक के। तो चंडीगढ़ में मैं 8:30 पहुंच गया था रात को, तो चंडीगढ़ में मैंने स्टे कर लिया था। तो आज सुबह मैं वहां से कंटिन्यू चलता हुआ ये पालमपुर पहुंचने वाला हूं। और आप ऐसा मान सकते हैं, अभी यहां से 8 किलोमीटर्स पे है, तो मैंने टोटल कवर किया है 2230 ऑलमोस्ट मैं पूरा जर्नी रहा मेरा। और कोको भी बहुत स्ट्रांगली, कोको ने जर्नी कंप्लीट कर ली है। एक टी जंक्शन आ रहा है जिसमें मेरा लिंक रोड जो कनेक्ट हो रहा है एक स्टेट हाईवे में, टुवर्ड्स लेफ्ट हम चले जाते हैं धर्मशाला चामुंडा देवी टेंपल एंड टुवर्ड्स राइट पालमपुर। 5-6 किलोमीटर में पालमपुर है इस रोड में जहाँ पर मैं आ गया। We are approaching पालमपुर like this. ये सामने सारे पहाड़ हैं, पहला एक छोटा पहाड़, उसके पीछे जो है ग्रीन पहाड़, और उसके पीछे भी पहाड़ है। हिमालयन रेंज है यहाँ पे, धौलाधार, सब हिमालयस, तो सब ढके हुए हैं आज तो। ये पालमपुर में यहाँ से ऐसा माना जाएगा एंटर होना शुरू हो गए। तो ये गेट खुला ही है, खुदा ने गेट खोली दिया है। इस गेट से ये वाली गाड़ी जो है एक बारी में नहीं जाती है, इसे एक बार बैक करना पड़ेगा।
और हो रही पूजा काका, ओ मुझे भौंकने लग पड़ा काका, स्मेल मी फर्स्ट, ये मुझे भौंकने लग पड़ा। नहीं मैं पू पू हाँ करने वाला, ठीक हूँ तू रुक, रुक और रुक, कह रहे से फिर कैसे रुक, ठीक पसीने भी सुंदर, रेंद खोल दो, आने दो, ऐसे आने दो, नहीं जा, नहीं पता नहीं कहाँ भागेगा, ये रस्सी दिख रही है, आ जा, ओ सॉरी सॉरी, ये झाले झाले झाले, इसको याद आ गया, इसको याद आ गया, घर याद आया इसको, ओ कितना चला के आते ही पहले अपनी तैयारियां भागने की तैयारियां बड़ी मुश्किल से पहुंचा ही है पानी खाना 6-8 रोटियां खाएगा कोको पहचाना तूने अम्मा को पानी पी रहा है अभी तो अम्मा एक डब्बा होगा हाँ 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 ए ए बिस्किट मिले कोको 3 और दे दिया बस खा ले रोटी दी थी मैं देखा बोलता है वा हाँ देखो बोलता बस चलो अम्मा को नहीं पहुंचते हैं ठीक है